राले राले जो मतलब बिगेस्ट सिटी है, सो वहाँ से 4 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है। सो यही एक नो वेयर, तो इसके चारों तरफ 5-5 हज़ार मीटर की गहराई वाला समुद्र है और बीच में बरमूडा का एक छोटा सा आइलैंड है, सात। जेल थी लास्ट टाइम पे मैं जहाँ गया था, जहाँ पे मैं मतलब मेरी फर्स्ट विजिट में जहाँ पे था तो उसके बगल में जेल थी। तो ये नॉर्थ अमेरिका का काला पानी था, जिस तरह से अच्छा दोस्तों, मनोज नाथ हियर, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि मेरी नेक्स्ट कंट्री की विजिट है, बरमूडा। सो बरमूडा ट्रायंगल एक बहुत फेमस है, जहाँ पे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और वहाँ जाते जो भी जहाज या शिप भी जो जाता है वो डूब जाता है, एंड ऑल दैट। बहुत सारे रहस्य मैंने भी सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे। सो अभी मैं उस कंट्री में जा रहा हूँ, बरमूडा। बरमूडा एक्चुअली एक आइलैंड है और इसे दुनिया का वर्ल्ड आइसोलेटेड प्लेस, वर्ल्ड आइसोलेटेड आइलैंड कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग थलग है, मिडिल ऑफ नो वेयर। तो इसके चारों तरफ 5-5 हज़ार मीटर की गहराई वाला समुद्र है और बीच में बरमूडा का एक छोटा सा आइलैंड है, सात छोटे आइलैंड का बना हुआ एक समूह है, जो एक आइलैंड है। तो उस वीडियो को मैं लेके आऊँगा, ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में बनाऊँगा। तो पहले ये जो अभी आप देख रहे हो इंट्रोडक्टरी, इसमें मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इस बरमूडा की बताऊंगा, और उसके बाद फिर 2 वीडियो जो है मैंने वहाँ की विजिट करूंगा, उस सिटी की विजिट करूंगा 2 डिफरेंट डे की, तो वो लेके आऊंगा। सो अभी ज़्यादा फर्दर डिले ना करते हुए अपने कंप्यूटर में डिक करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि बरमूडा में कहाँ पर है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी ज्योग्राफी क्या है। सो लेट्स डिक इन टू माई कंप्यूटर। तो दोस्तों पहले इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है बरमूडा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ज्योग्राफिकल महत्व क्या है और क्या नज़दीक है ज्योग्राफी। सो ये जैसे नॉर्थ अटलांटिक सीम है, सो इससे नियरेस्ट कोस्ट जो लाइन पड़ती है नॉर्थ कैरोलिना की, यूएस की नॉर्थ कैरोलिना की लाइन है। सो यहाँ से तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट है बरमूडा के लिए। और दूसरी तरफ जब आप अटलांटिक ओशन क्रॉस करके जाएंगे, ट्रांसअटलांटिक करेंगे यूएस से पोर्चुगल या यूरोप के लिए, तो ये यूरोप का पोर्चुगल पहली सिटी पड़ती है इधर। इवन आप अगर सो एक साइड इसके नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ कैरोलिना पड़ता है यूएस का, और दूसरी साइड ये यूरोप का क्लोजेस्ट लैंड है जो पोर्चुगल है। सो अभी मैं वाइडर मैप में इसको निकालता हूँ, ये मैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। सो ये देखिए, ये है बरमूडा का आइलैंड, जो कि 7 डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड का बन के एक आइलैंड बना है। और इसके चारों तरफ नज़दीक आपको 4,000-5,000 मीटर का सी मिलेगा। सो इसे वर्ल्ड आइसोलेटेड प्लेस या वर्ल्ड आइसोलेटेड आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये समवेयर अराउंड हियर है। सो आप ये देखिए, ये यहाँ पे है। तो यहाँ से भी शिप से 3 दिन लगते हैं यहाँ पहुँचने में, 2.5-3 दिन, और बाय फ्लाइट 3 घंटे लगते हैं। सो आप समझ ही सकते हैं कि नियरेस्ट लैंड से, सो यहाँ सब कुछ बड़ा ही दूर है और हर चीज़ यहाँ महंगी है। कि जैसे कि मैंने आपको आगे मैंने वीडियो में भी पोर्ट भी दिखाया है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या तो फिर एक सी रूट से कार्गो शिप से आते हैं, या फिर एयरफेस से एयर कार्गो से आप ले। तो जो भी चीज़ है वो छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी महंगी हो जाती है, कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि वो टैरिफ लग जाता है उसमें, आने जाने का जो किराया होता है। सो इसीलिए चीज़ें महंगी हैं। और इसकी अभी ये तो होगी ज्योग्राफी की बात। सो मैं थोड़ा एक मैप में सर्च करके बताता हूँ कि फ़्लाइट से कितना टाइम लगता है। तो ये लिस्बन पोर्चुगल के, तो 11 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट है। सो और इसी के हिसाब से नॉर्थ कैरोलिना NORTH कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, सो ये 4 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट है नॉर्थ कैरोलिना। तो ये इनका जो मतलब कि राले राले जो मतलब बिगेस्ट सिटी है, सो वहाँ से 4 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट है। सो यही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर क्रूज शिप्स आती हैं।
सो ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स है, सैन जोर्ज, सैन डेविड आइलैंड और कैरेबियन बीच रिसोर्ट, ये सब रिसोर्ट है, नॉर्थ शोर विलेज। सो जैसे कि आप आने वाली मेरी वीडियोस में देखेंगे, इसके मतलब कि ये जो मैं इस साइड का, ये हैमिल्टन सिटी है समवेयर, एंड मैं हैमिल्टन सिटी के साइड का आइलैंड लाइक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और इट्स नॉट पॉसिबल दैट विद इन अ वन डे आई गोना कवर फ्रॉम सेंट जॉर्ज टू ये सनरेस्ट विलेज, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी आके एक्सप्लोर जरूर करूँगा। सो ये ऐसे है, इसकी ज्योग्राफी है, और ये आपको बता ही दिया है कितना टाइम लगता है यहाँ से वहाँ जाने में। अभी इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये मतलब कि ब्रिटिश टेरिटरी है, जैसे मैंने आपको बताया, आगे देखेंगे मेरी वीडियो में भी, जहाँ भी आप जा रहे हैं, मतलब कि ब्रिटिश फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, यूनियन जैक, और इनका जो बरमूडा का फ्लैग भी है, इसको लेट मी पुल आउट द बरमूडा फ्लैग, बरमूडा का फ्लैग है ये वाला। सो ये इनका ऐसा सिंबल है ये, और इसमें यूनियन जैक लगा हुआ है। सो ये मतलब कि ब्रिटिश टेरिटरी है। सो हिस्ट्री में इसके आ गया, ब्रिटिश टेरिटरी है। जेल थी लास्ट टाइम पे मैं जहाँ गया था, जहाँ पे मैं मतलब मेरी फर्स्ट विजिट में जहाँ पे था, तो उसके बगल में जेल थी। तो ये नॉर्थ अमेरिका का काला पानी था, जिस तरह से अंडमान निकोबार हमारे इंडिया का उस साइड के लोगों को जेल में डालते थे ब्रिटिशर्स, इसी तरह से यहाँ पे इन ब्रिटिशर्स लोग जो भी नॉर्थ अमेरिका में क्रांतिकारी या जो भी थे, उनको यहाँ पे जेल में डालते थे। सो ये देखिए, ये 1790 वन द गवर्नमेंट ऑफ बरमूडा साइड द 141, ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। ये मैं लिंक इसका नीचे डाल दूंगा, तो आप अगर आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हिस्टोरिक चर्च भी बहुत हैं, ये चर्च 1884 में, ये चर्च मैंने कवर किया है वीडियो में, इस चर्च के अंदर भी गया हूँ मैं, वन ऑफ द वीडियो जो शायद पहली वाली वीडियो आने वाली है, ये इसके अंदर भी गया हूँ। सो बहुत हिस्टोरिक और अच्छा चर्च है देखने के लिए। सो ये अभी इस समय, ये तो ये ब्रिटिश सोल्जर्स, और ये देखिए ये ब्रिटिश सोल्जर्स। सो यहाँ पे नेवी के शिप्स भी आते हैं, और हम एक्चुअली अगर आप, मैं जब बड़ी शिप पे काम करता था, तो हम बाहर ही के साइड डॉक होते थे, क्योंकि अंदर बड़ा शैलो वाटर है और बहुत ड्राफ्ट जो है बहुत कम है, सो बड़े शिप आ नहीं सकते। बट जो मेरा शिप अभी छोटा है, तो इसीलिए आ जाते हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी मैंने जो हिस्ट्री इनके बारे में बताने की कोशिश की, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आने वाली दो वीडियो जो होंगी वो आइलैंड का पूरा टूर होगा। सो होप यू लाइक दैट नेक्स्ट टू वीडियोस, एंड यू लाइक दिस थिंग आल्सो। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जल्द ही, कल ही मैं अगली वीडियो रिलीज़ करूँगा, जिसमें कि मैं आइलैंड का एक साइड का टूर करूँगा। सो आपको अच्छी लगेगी वो, और ब्यूटी देख के आप रियली स्टन रह जाएंगे, कितनी ब्यूटी और क्या है यहाँ पे। सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।